जी आप कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम था भिवंडी से आए। आप सैयद करीम भिवंडी से? हाँ जी। कितने साल से आप यहाँ आए हैं? हमारा फर्स्ट साल, फर्स्ट ईयर। कैसे आपको पता चला यहाँ पे इस तरीके का? वो हमारा बेटा है ना, वहाँ रहता है साइन में, तो उसने हमको बताया। हाँ तो हम लोग वही है जी। नहीं, आपको कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, कहिए। सैयद लोग को तो आगे बढ़ने का मौका मिल गया। बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं आज 200-300 परिवारों को दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इनको और आगे बढ़ाए। आपका नाम? सायरा सैयद जी। सायरा जी आप कहाँ से आए? भिवंडी से। भिवंडी से आइए। तो सायरा जी आपको कैसे पता चला यहाँ पे इस तरीके से? ये बम्बई में हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, तो उनसे पता चला था जी। तो फिर हम लोग इधर आए, तो फार्म भी भरे, तो पहले टाइम पे भी दिए थे, अच्छा सामान दिए थे जी। इससे पहले भी आपने? हाँ, पहले जिस दिन कार्ड दिए थे ना उस दिन दिए थे राशन। ये दूसरी बार है। आपको कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि गरीब लोग का हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि सैयद परिवार जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैला, मगर ऐसे सैयद परिवार नहीं कर रहे हैं ये। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को इनका बहुत अच्छा व्यवहार अच्छा लगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 200-300 परिवारों को दे रहे हैं, आने वाले समय में और भी लोगों को मदद मिले इनसे आपको लगता है? हाँ, और आने वाले समय में सबको तो मदद करना ही चाहिए ना इनको, और मदद करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और अल्लाह ताला उनको और तरक्की देगा। क्या जी आपका नाम? नूरजा जी। आप सही था? हाँ सही जी। कितने साल से आप यहाँ आए? लगभग हुएगे 6-7 साल हुए मेरे उससे। हाँ नूरजान जी, ये बताइए कि मतलब कहाँ रहती हैं? अंटाफी शेख मिस्री दरगाह। अच्छा, शेख मिस्री। हाँ तो नूरजान जी, जैसे इस्लाम में कहा जाता है सैयदों को जो है ज़कात की तरह सैयदों पे हराम, हराम उनको देना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, ज़कात फितरे के अलावा हट कर ये लोग जो है गिफ्ट, बोले गिफ्ट देते हैं, ज़कात फितरा ये नहीं देते, ये बोले गिफ्ट देते जी, तो उसके दोहरे देते तो हम लोग लेते गिफ्ट पे, मतलब ऐसा ज़कात फितरा नहीं। बिल्कुल। सुनिए ना, मैं जिस तरीके से अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, बड़ा मुबारकों वाला महीना है, मुझे रोजगार लगता है, तो आपको कैसा लग रहा है ऐसे महीनों में इस तरीके का ये लोग जो चैरिटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अल्लाह पाक उनको और दे वो दे, तो हर मतलब जो त्यौहार रहते हैं ना सब त्यौहार का देते, रमज़ान का एक का नहीं देते, अभी ईद मिलादुल नबी का उसका भी देते, मतलब सब हर जो सपने त्यौहार आते हैं ना बड़ी बड़ी मोमिन लोग के, सब त्यौहार के देते, हर गिफ्ट देते जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि लोग मदद कर रहे हैं, 200-300 परिवारों को मदद कर रहे हैं, लाखों को करोड़ों को देते हो, 200-300 तो नहीं शायद ज़्यादा जो अल्लाह पाक और इनको देवे और सबको देवे, उनके सदके में हमारे को देवे, हम भी सबको देवे। कहाँ से आए? वडाला से। वडाला से। कितने साल से आप यहाँ? यहाँ मैं इसमें की या फिर मुंबई, अभी फर्स्ट बार हुआ। किस तरीके से आपको पता चला? ये मेरे दोस्त है एक, उसने मुझे बताया था। कैसा लग रहा है आपको? हाँ के नाम से डोनेट कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है और अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे भाइयों से एक ग्रुप के बारे में जो डोनेट करता रहता है? अच्छी बात है करना, और क्या मतलब आने वाले समय में और लोगों तक इनसे मदद पहुँचा चाहिए। हाँ, अनकरीब ही इस्लाम का बहुत बड़ा दिन रमज़ान का महीना आने वाला है, उसके चलते जो है कई सारे गरीब परिवार ऐसे हैं देश भर के अंदर जिनको के दो समय का खाना तक नसीब नहीं होता है। वहीं पे एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम है YMC ग्रुप, जिसके द्वारा कई सालों से मैं कहूँगा तकरीबन 9 सालों से जो है गरीब जो सैयद परिवार है उन्हें जो है अनाज हुआ, तेल, राशन की जो चीज़ें हैं डेली रोज़ाना जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं रसोई में, उसका डोनेशन किया जाता है और एज अ गिफ्ट किया जाता है। गिफ्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर सैयद परिवार जो होता है
उसके ऊपर ज़कात और फितरा जैसी चीज़ें जो है वो हराम होती है, उन्हें ज़कात या फितरे के पैसे डोनेट नहीं किए जाते हैं, दे नहीं सकते हैं। इसलिए उन्हें ज़कात फितरे से हटकर एक ऐसा परिवार, एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा ग्रुप जो के अनाज जो है बड़ी संख्या में जो सैयद परिवारों को डोनेट करता है। इस समय मेरे साथ में, मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिसबा शाकिब मंसूरी है। जी मिसबा जी, ये बताइए कि ये कितने सालों से आप लोग इस तरीके का जो कैंप कर रहे हैं? ये हमारा करीबन काफ़ी साल हो गया है, 7-8 साल के करीबन हो गया है जी, माशाल्लाह। और ये 950 फैमिलीज़ का प्रोजेक्ट है जी, और जैसे कि बता सकते हैं हम लोग 600 के ऊपर हमारे सूरत में हैं, 200 के करीबन बॉम्बे में हैं, और 150 के अबाव लाहौर में है जी। ये हमारा टोटल 950 का प्रोजेक्ट है। मिसबा जी, ये बताइए जिस तरीके से आप चैरिटी कर रही हैं, तो कैसे आप लोगों के मन में विचार आया कि सैयद परिवारों को चैरिटी करना चाहिए? अन्य और भी लोगों को आप चैरिटी करती हैं? जी हाँ, हम लोग अदर भी करते हैं, बट स्पेशली सैयद इसलिए कि देखो, अगर किसी को ज़कात देना होता है, कोई किसी को पूछता है ना कि आपका नाम, अगर उसने बता दिया सैयद है, तो वो अपना हाथ फौरन पीछे हटा लेगा। क्यों? क्योंकि वो गुनाह में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग सैयदों को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो आले रसूल है। तो इसलिए हमने ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो ग्रुप है, ये लिल्ला मतलब हलाल पैसा, वाइट जो उनका पर्सनल पैसा होता है, वाइट मनी, ये इससे हम लोग इसकी हेल्प करते हैं सैयदों की। मिसबा जी, ये बताइए जिस तरीके से काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे देखा, कोई भिवंडी से आ रहा है, कोई वडाला से, कोई गवंडी से, मुंबई के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो कितनी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं और किस तरीके से उन तक खबर ये पहुँचाई जाती है? जी हमारे, हमने मुंबई में शुरू किया था कुछ 40 लोगों से, फिर उनके जो रिलेटिव्स है, जैसे बात से बात बढ़ती है, रिलेटिव होते हैं उनके फैमिलीज़ में जो ऐसे होते हैं जिन लोग ज़कात नहीं ले सकते, तो सैयदों को ऐसा मालूम पड़ता है कि हाँ, हमारे लिए भी हेल्प के लिए कोई ना कोई ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला ने कोई ज़रिया बनाया है, तो इस तरीके से वो लिंक से लिंक बनी, और माशाल्लाह अभी 200 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिसबा जी, मैं अगर जानना चाहूँ आपसे कि आने वाले समय में क्या आप और भी लोगों को, मतलब इसमें इंक्रीज़ करना चाहोगी, आप और भी लोगों को बढ़ाना चाहोगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, हम ये चाहते हैं कि YMC ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। कतरा कतरा समंदर बनता है, आप अपना 100 रुपया भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, और 1,00,000 भी कर सकते हैं। आप हमारे इधर जो तेल के डब्बे देख रहे हैं ना, वो एक सिंगल पर्सन ने माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन किया है। ये हमारा एक ग्रुप है YMC, और YMC के सारे अंसार मिलके ये प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो अभी मतलब साहिब माल हैं, जो बड़े बड़े हैं, तो वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करें, जिससे ये प्रोजेक्ट और बढ़े। जी मिसबा जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं गिनती में जानना चाहूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप डोनेट कर रही हैं, एक किट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें आप रखती हैं जो कि एक परिवार को जाता है? देखिए, इसमें शरबत है, शरबत हमारे रमज़ान में काफ़ी यूज़ होता है, जेली है, बटर है, चाय की पत्ती, शक्कर, गेहूँ, चने का आटा, राइस, ऑयल। ऑयल तो काफ़ी लोगों को मतलब अभी तो कुछ वजह से तेल के भाव तो इतने बढ़ गए, तो अभी जो छोटे फैमिलीज़ है वो इतना क्वांटिटी में लेके यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इस तरीके से रमज़ान में ये सारी चीज़ें उन लोगों को यूज़ आएगी, एक महीना काफ़ी टाइम, जितना भी टाइम उनके लिए इजीली निकल जाएगा। जी बिल्कुल मिसबा जी, कई सारे लोग ऐसे हैं जैसे आपने कहा साहिब माल, जिनके पास पैसे हैं, दौलत हैं, अगर वो आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से YMCA ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या ज़रिया हो सकता है? अभी यहाँ पे तो बॉम्बे में तो जैसे कि अभी मेरे अब्बू है मोहम्मद रियाज वली सैयद, अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करें, बात करें, इंशाल्लाह तो फिर आगे बात चलेगी और इंशाल्लाह आप लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मिसबा जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ, लॉकडाउन का समय जो गुजरा, क्या लॉकडाउन में भी आप लोग इस तरीके का डोनेशन कर रहे थे? जी हाँ, लॉकडाउन में तो इससे भी ज़्यादा हुआ था, अनाज नहीं मिला था तो हमने लोगों को कैश भी प्रोवाइड किया था, जैसे अनाज नहीं हो पा रहा था, लोगों को कैश की भी ज़रूरत थी, तो हमने थोड़ा अनाज दिया, थोड़ा कैश दिया, इस तरीके से हम लोग ने लॉकडाउन में जो हो सका वो लोगों की हेल्प की। मिसबा जी, अगर जो न्यूज़ हमारा चैनल जो लोग देख रहे हैं, उनसे अगर आप निवेदन करना चाहोगी कि किस तरीके का निवेदन करना चाहोगी, उनसे क्या कहना चाहोगी जो न्यूज़ देख रहे हैं कि इस तरीके की मदद के लिए आगे बढ़े? मिसबा जी,
मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करना है ना, तो जहाँ भी आपके आस पड़ोस नेबर में कहीं पे भी आपको एक सैयद फैमिली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, आप उनकी मदद कीजिए हलाल पैसे से। इसका सवाब आपको आखिरत में मिलेगा, बस हम लोग यही चाहते हैं। और नहीं तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिसका सवाब आपको इसके ज़रिए मिलेगा। आप कतरा भी डालेंगे तो वही सवाब मिलेगा, क्योंकि एक बोलते ना, और हमारी इस पैक में सबसे स्पेशल चीज़ है हमारी खजूर, जो स्पेशली मदीना मुनव्वरा से हम लोगों ने मंगाई है। और इसको छुड़वाने के लिए हमारे जो ग्रुप है टोटल YMC अंसार, और स्पेशली मोहम्मद रियाज वली सैयद ने 50,000 का कस्टम इंडिया में भर के उसको छुड़वाया है। जी हाँ, ये थी मिसबा जी, जिन्होंने कई सारी बातें की। जिस तरीके से मैंने पूछा कि किट जो परिवार को दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, वो उन्होंने बताया। और एक चीज़ उन्होंने कही कि YMC जो ग्रुप है, कई सालों से जो है जो लोगों में जो है अनाज देता आ रहा है, उनकी मदद करता आ रहा है किसी ना किसी ज़रिए से। जैसे कि लॉकडाउन के समय इन्होंने बताया कि पैसे से भी इन्होंने मदद की। तो अगर कोई YMCA ग्रुप से जुड़ना चाहता है और उनके ज़रिए अन्य लोगों तक मदद पहुंचाना चाहता है, तो उनसे जुड़ सकता है। और जो साहिब माल है, जिनके पास दौलत है, मैं उनसे भी कहूँगा अपने इर्द गिर्द अगर कोई गरीब है और उसके घर में जो है किसी किस्म की कमी है, तो आपका काम है अपने पड़ोसी का जो है हक अदा करना और उसकी जो है तकलीफ़ों को दूर करना। जिस तरीके से मिसबा जी ने कहा कि हम जो है मुंबई में, सूरत में और भी कई जगह जो इस तरीके का चैरिटी का पाकिस्तान में काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है ये चैरिटी जो है हम बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी मदद पहुंचाएं। कैमरामैन शफीक साटवीलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।